हेलो डियर स्टूडेंट, निर्वे 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं इसरो एसडीएससी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे 45 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना पूछता है, 60 क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग 45 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो निर्वे 11 यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, NIRBHAY, ठीक है, 11 स्पेस मत दीजिएगा बीच में, निर्भय 11। यहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट करके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से चेक कीजिएगा तो सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, एसडीएससी का, बीएसएससी का सबका डिस्कस कर दिया हूँ। तो 45 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करूँगा, तो आज 50 तक खत्म हो जाएगा, 50 तक खत्म हो जाएगा, 10 क्वेश्चन और बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेम टू सेम PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग शेयर कीजिए आगे, जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए तो आगे शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं, 45 तक हो गया था कि इसका आंसर UX होगा, यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। देखिए अब 46 में क्या है, 46 में है दी ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप्ड पार्ट। ठीक है, दी ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप्ड पार्ट फ्रॉम फ्लैट शीट मेटल ब्लैंक बाय बेंडिंग एंड प्लास्टिक फ्लो ऑफ मेटल इज नॉन एज, उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग पता होगा ड्राइंग कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह से यहाँ से डाई बना रहता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से डाई बना रहता है और यहाँ से इस तरह का एक सीट रखते हैं इसमें। ठीक है, पतला सा सीट होता है, यहाँ से क्या करते हैं, पंच के थ्रू कह सकते हैं, इस तरह से यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो है ये इस तरह से नीचे आएगा तो इस तरह का शेप बना लेता है, कप शेप पार्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं कप शेप बना पार्ट। ठीक है, तो नीचे दबाएगा तो क्या होगा, ब्लैंक ये पंच का जिस तरह का शेप था उस तरह का शेप ले लेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये इसका आंसर क्या जी, ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, प्लास्टिक फ्लो होता है मटेरियल का, आप लोग को डिटेल्स में पता होगा। ठीक है, और इसके बाद क्वाइनिंग, क्वाइनिंग से क्या बनाते हैं, सिक्का पे जो भी वार वार लगता है तो उससे क्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, और बेंडिंग तो जानते हैं कि बेंडिंग करते हैं। उसके बाद ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग क्या होता है, और ब्लैंकिंग और पायरेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ब्लैंकिंग और इसी का सिमिलर है एक पायरेसिंग, तो ब्लैंकिंग और पायरेसिंग क्या होता है, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ इस तरह का अगर कोई सीट है, ठीक है, इस तरह से सीट है, अगर इसमें हम होल करना चाहते हैं, ठीक है, होल इस तरह से करना चाहते हैं, तो जो भी इस तरह का ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये और इसमें ये, इसमें जो ये देख रहे हैं सीट, जैसे कि इस तरह का सीट होगा तो इससे काट के निकालेंगे तो इस तरह से एक सर्किल टाइप का निकलेगा, और इसमें जो भी इस तरह से काटेंगे तो इस तरह से सर्किल निकलेगा। तो इसमें जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं, अगर ये स्क्रैप के फॉर्म में हम यूज किए, स्क्रैप यानी कि स्क्रैप के फॉर्म में रहा, तो इसको क्या कहेंगे, इधर वाला को कहेंगे पायरेसिंग, पायरेसिंग, और इधर को कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, इधर को क्या कहेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग। तो समझ रहे, ड्राइंग में क्या होता है कि जो अगर कोई सीट है उससे अगर हम सर्किल जैसा काटें तो ये मेरा वर्क पीस के रूप में आ जाएगा, ये मेरा वर्क पीस के रूप में अगर यूज कर लें हम ये वाला शेप को, और ये वाला शेप जो देख रहे हैं ये पूरा चारों साइड, ये स्क्रैप के फॉर्म में अगर हम फेंक दें तो ये हो जाएगा मेरा ड्राइंग। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है, ड्राइंग का ब्लैंकिंग कहेंगे इसको, ड्राइंग नहीं, ब्लैंकिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग, और इधर पैरेसिंग हो जाएगा। तो ब्लैंकिंग का जस्ट उल्टा होता है पैरेसिंग। ठीक है, ब्लैंकिंग का जस्ट उल्टा होता है पैरेसिंग। पैरेसिंग में क्या होगा कि ये जो सर्किल वाला है इसको स्क्रैप के फॉर्म में हटा देंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रैप के फॉर्म में इसको हटा देंगे, लेकिन मेरा वर्क पीस जो है ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें उल्टा चलता है, ब्लैंकिंग और पैरेसिंग एक दूसरे के उल्टा चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ड्राइंग। अब यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूजल पंप ऑपरेटिंग एट NRPM डेवलप ए स्पीड ऑफ H मीटर, इफ़ द स्पीड इज डबल एंड द पंप ऑपरेट विथ सेम एफिशिएंसी, व्हाट इज द हेड डेवलप्ड बाय द पंप, क्या होगा। तो देखिए यहाँ से बस 30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर जिस लड़का को फॉर्मूला पता होगा तो वो फटाक से आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तीन को रिलेशन है, दो से तीन को रिलेशन है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हेड पूछ रहा है, तो हेड का भी रिलेशन बताता हूँ। हेड का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेड का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, वही आपसे पूछेगा अगर डिस्चार्ज का भी पूछ दिया,
बहुत बहुत ये जो बता रहे हैं अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आपकी बार ये पूछा है तो हो सकता है अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसका आपका डिस्चार्ज से पूछते हैं, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है डी क्यू इन टू एन हो जाता है। अगर वही पावर में पूछेगा तो पावर में क्या हो जाता है, डी के पावर फाइव इन टू एन क्यू। ठीक है, डी के पावर फाइव इन टू एन क्यू, तो आपसे ये पूछा है रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन सब याद रखिएगा तीनों रिलेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपकी ये पूछा है तो जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम है हो सकता है कि डिस्चार्ज से पूछ दे, हो सकता है प्रेशर से पूछ दे, अभी पावर से पूछ दे, तो इस तरह का याद रखना है आपको। तो यहाँ से हेड का पूछा है, हेड का जान रहे हैं कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर और डी स्क्वायर का। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड इज डबल है, स्पीड को डबल कर रहा है, तो यहाँ से अभी आप पढ़े कि क्या होता है एन स्क्वायर और डी स्क्वायर होता है। अगर स्पीड को डबल किया तो क्या हो जाएगा, दो दो ना चार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधे देख सकते हैं आप सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर, चार टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है जो यहाँ पे स्पीड है हेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और एन स्क्वायर के टर्म में है। तो यहाँ से अगर स्पीड डबल होता है तो दो दुनी चार हो जाएगा, यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, आप देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, कह रहे हैं कि इन जनरल सिंस वाटर टर्बाइन मे बी पुट इन द फ्लोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ पूछ रहा है कि टर्बाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो टर्बाइन दिया हुआ है तो कौन कौन सा टर्बाइन होता है, पेल्टन विल्ड हो गया, फ्रांसिस हो गया, कैपलन हो गया, इस तरह का दिया हुआ है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए कौन होगा, तो आप लोग अगर याद होगा स्पेसिफिक स्पीड तो आप लोग तुरंत सजा सकते हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसका होता है, कैपलन का, उसके बाद फ्रांसिस का, उसके बाद पेल्टन का होता है, सबसे कम पेल्टन का होता है स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, यानी बड़ा से छोटा जाना है, बड़ा से छोटा, बड़ा में कौन होता है, कैपलन, केपलन का सबसे ज़्यादा होता है, फ्रांसिस का उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद पेल्टन का हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ से हेड और स्पेसिफिक स्पीड लिख के बता देता हूँ। यहाँ से देखिए इधर लिखता हूँ टर्बाइन, टर्बाइन इधर लिख रहा हूँ, इधर स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, इधर क्या लिखता हूँ, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, और इधर लिखता हूँ हेड। ठीक है, आप लोग समझिएगा, इतना हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, टर्बाइन हो गया, स्पेसिफिक स्पीड हो गया, हेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगे, अब यहाँ से पहला देखते हैं पेल्टन टर्बाइन, पेल्टन, सॉरी पेल्टन होगा, पेल्टन, पेल्टन व्हील हो गया, तो इसका स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, 10 से 35 होता है, और हेड कितना होता है, 250 मीटर से अभव होता है। ठीक है, एभव 250 मीटर से क्या होता है, एभव होता है। अब दूसरा जो है ये, उसके बाद है फ्रांसिस, फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन होता है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, 60 से होता है कि इसका 300 होता है, स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, 60 से 300, बीच बीचवा है, समझिए कि दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, फ्रांसिस तो 60 से 300 होगा, और इसका स्पीड कितना हो जाता है, हेड कितना होता है, 60 से लेकर 250 तक होता है, 250 मीटर तक। ठीक है, 250 मीटर तक, 60 से 250 मीटर तक हेड होता है। और यहाँ से बात करेंगे आप केपलन का, तीसरा नंबर केपलन, केपलन देख रहे हैं कि कितना डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए आप कॉम ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए और डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कीजिए, ताकि आपके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह के भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आप देखिए इस तरह से आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। यहाँ से देखिए केपलन का कितना होता है, 300 से 1000 होता है, 1000। ठीक है, 300 से 1000 होता है, और इसका हेड होता है, सबसे कम हेड होगा 60 मीटर से बिलो होता है। ठीक है, 60 मीटर से कम ही होता है, तो आपको सब पता होगा। तो पेल्टन का कितना हो गया, 10 से 35 250 मीटर से अबव हो जाएगा हेड, फ्रांसिस का होता है 60 से 300, और हेड हो जाएगा 60 से 250 मीटर, केपलन होता है स्पेसिफिक स्पीड 300 से 1000, और हेड होता है 60 मीटर से बिलो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब कभी कभी आपको अभी स्पेसिफिक स्पीड पूछ दिया है तो हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में हेड के टर्म में पूछ देगा कि हेड के टर्म में बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो अभी हम बता दिए तो उससे कर सकते हैं आराम से। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का इसरो का कोई भी क्वेश्चन देखिए उठा के देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। अगर इसरो का क्वेश्चन अच्छे से आप लोग डील कर लेते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन करके, तो समझिए कि निश्चित इसरो निकल जाएगा, आपसे कोई
उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, अस्पर गियर पूछा है, हेलिकल गियर पूछा है, वार्म गियर पूछा है और बीवेल गियर। इस तरह का क्वेश्चन समझिए कि चार क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा है एक क्वेश्चन पूछा है, बट चार चार क्वेश्चन पूछ दिया है एक साथ, समझिए। तो हम आपको जो है, इससे पहले आप फिगर देखना दिखाना चाहूँगा, आप पहले फिगर देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से फिगर देखिए, आप लोग फिगर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे बता देंगे तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे स्टेट अस्पर, स्टेट अस्पर गियर का देख रहे हैं कि किस तरह से होता है, इसका टीथ जो होता है स्टेट होता है बिल्कुल, और ये देख रहे हैं कि दोनों का शाफ्ट जो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे से पैरेलल होता है। उसके बाद बात करेंगे हेलिकल गियर, हेलिकल गियर में क्या होता है, टीथ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और इसका भी पैरेलल के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ को यहाँ से देख रहे होंगे, अच्छे से देखिए, और भी फिगर दिखाऊंगा आपको। हेलिकल गियर अस्पर हो गया, हेलिकल अस्पर में सिर्फ रहेगा क्या, टीथ रहेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और पैरेलल ही रहेगा शाफ्ट, ठीक है। अब हेरिंग बोन गियर में, हेरिंग बोन में इस तरह से दो टाइप का रहेगा, ठीक है, यानी इंक्लाइंड लाइन जो होगा इसमें इंक्लाइंड टीथ जो होगा दो होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी पैरेलल है। उसके बाद देख रहे हैं प्लेन बीवेल, प्लेन बीवेल में देख रहे हैं कि इस तरह से टच कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ से भी देख रहे हैं स्पायरल में, स्पायरल में थोड़ा सा डिविएट रहता है एंगल, ठीक है। और यहाँ से हाइपोइड गियर भी देखिए, हाइपोइड गियर में भी पूरा पूरी नीचे रहता है ये, और ये ऊपर ऊपर रहता है। यहाँ से प्लेनेटरी देख लीजिए, प्लेनेटरी में क्या रहेगा, इस तरह से। आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ये सब देखिए। वार्म, वार्म में क्या रहता है कि इस तरह से बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे के सीधा, ये देख रहे हैं कि इसका शाफ्ट का एक्सिस किधर है, इसका एक्सिस किधर है, ठीक है। और रेक एंड पिनियन गियर हो गया इधर, तो यहाँ से तक देख सकते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। और भी मेरे पास फिगर हुआ तो वो दिखाना चाहूँगा। हाँ देखिए यहाँ पे, अच्छा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, फर्स्ट जो क्वेश्चन किए थे उसका फिगर है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। आपको बीच में आ गया तो इसको इसलिए इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से देख रहे हैं इस तरह का ब्लैंक हो गया, ठीक है, ये पंच होता है इस तरह का, देख रहे हैं। यहाँ से ये इस तरह का सीट रखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से सीट रखा हुआ था। जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे ऊपर से पंच के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे कप के शेप फॉर्म हो गया, ठीक है, कप इस तरह से बन गया, तो देख रहे हैं कप जैसा बन रहा है। तो इस तरह से हम गूगल से निकाले थे इसको सर्च करके। यहाँ से देखिए फिर ये फिगर देखिए, ठीक है, इस तरह से फिगर देखिए। आप जितना फिगर देखिए विजुअलाइज प्रैक्टिकल कीजिएगा उतना अच्छा, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। अस्पर गियर हो गया, रेक एंड पिनियन हो गया, इंटरनल गियर हो गया। यहाँ से देखिए वार्म एंड वार्म व्हील होता है, ठीक है। बीवेल गियर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा एक्सिस, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको लगभग जो है सब फिगर दिखा दिए हैं, आप चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख लिए होंगे क्वेश्चन, देख लिए फिगर, अब तो आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अस्पर गियर, अस्पर गियर आपको दिखाए थे, अस्पर गियर में क्या था, टीथ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन था और पैरेलल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए अस्पर गियर के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी एक नंबर ऑप्शन अच्छे से निकलता हूँ, अरे ढक जा रहा है। यहाँ से देखिए पहला ये नंबर ऑप्शन देखिए कि ट्रांसमिट मोशन बिटवीन द पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ये तो होगा नहीं। ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, ये हो जाएगा, पैरेलल शाफ्ट के लिए ये तो ट्रांसमिट करते हैं, तो यानी ए का टू होगा। आप तो लिखते जाइए, एक का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में क्या था, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर में क्या हो जाएगा, हेलिकल गियर में तो ये ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल नहीं होगा, ट्रांसमिट मोशन बिटवीन इंटरसेक्टिंग एंड शाफ्ट ये भी नहीं होगा, तो ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल एंड नॉन पैरेलल, हाँ ये होगा। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका चार होगा, ठीक है। अब सी नंबर में वार्म गियर, वार्म गियर के लिए क्या हो जाएगा, सी नंबर का, तो वार्म गियर का ये तो हो गया इधर, और यहाँ से बात करेंगे ट्रांसमिट मोशन बिटवीन बिटवीन नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए, तो वार्म गियर यही था, नॉन पैरेलल था और नॉन इंटरसेक्टिंग था, ठीक है। अभी आपको फिगर दिखाएं, तो यहाँ से सी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस अब बचा क्या, डी, डी का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यही बचा हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, एक का टू, बी का चार और सी का वन और डी का हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं इसमें फार्मूला आपको याद रहेगा, तो बस मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बस फार्मूला याद रहना चाहिए बस। यहाँ से देखिए बेयरिंग प्रेशर पी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जेड एंड स्पेसिफिक जनरल स्पीड ऑफ जनरल एन आर डबल देन द बेयरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ द ओरिजिनल नंबर विल बी क्या होगा, मतलब बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या होगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होगा, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मान लेते हैं बी सी, तो बी सी बराबर क्या होता है, जेड एन
जेड एन बटे पी होता है, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। एन क्या हो गया, एन हो गया आपका अति स्पीड ऑफ जनरल, ठीक है, स्पीड ऑफ जनरल। पी क्या होता है, बेरिंग प्रेशर। तो यहाँ से कह रहा है कि, यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन आर डबल है, तो एन को डबल कीजिएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन का। अगर एन को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर स्पीड चार टाइम्स होगा तो बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी चार टाइम्स होगा। अगर फाइव टाइम्स होगा स्पीड तो फाइव टाइम्स ये भी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि डबल है, तो डबल है तो बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस यहाँ से यही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो 10 क्वेश्चन अब बचा है। हम लोग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए और बचा है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग आगे शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।